आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके का मैंगो केक बताने वाली हूँ। और इसके लिए ना तो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मैदा, ना ही कंडेंस मिल्क, ना सूजी का, ना दही का, और बिना अंडे और बिना ओवन के सिर्फ 5 मिनट में बनाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंगो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। और यहाँ पे मैंने पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया है, ये गाय का दूध है। आप कोई भी क्वालिटी का दूध ले सकते हैं या फिर आप डेयरी वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, तो सबसे पहले हमने जो दूध लिया है इसे इसमें डाल देते हैं। आप चाहो तो नॉर्मल पैन या फिर कोई भी कढ़ाई में इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मैंगो की प्यूरी ली है, ये मैंने केसर वाले मैंगो लिए हैं। आप कोई भी क्वालिटी के मैंगो ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आसानी से आपको मिले, बट मेक श्योर कि आम जो है वो अच्छे से पके हुए हो और मीठे हो। आम की प्यूरी को हमें गर्म दूध में नहीं डालना है, इसे हम ठंडे दूध में ही पहले अच्छे से मिला कर ले लेंगे। इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया आने वाला है, इसलिए हम इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैन को जो है अब मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच रखेंगे और इसे लगातार मिक्स करेंगे, जिससे कि आम की जो प्यूरी है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छे से दूध में जो है घुल जाए। आपको इसमें हल्के हल्के चंक्स नज़र आ रहे होंगे, अगर आप चाहो तो एकदम फाइन ग्राइंड करके भी प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या छान कर भी ले सकते हैं, बट इसे हम बाद में छानने वाले हैं, इसलिए अगर इसमें अगर बड़े बड़े चंक्स रह भी जाते तो कोई इश्यू नहीं। तो अब हम दूध में बॉईल आने देते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट चाइना ग्रास लिया है, ये मैंने केसर पिस्ता वाला फ्लेवर लिया है, ये वज़न में 100 ग्राम है, और ये मैंने प्योर वेज वाला लिया है। आपको लग रहा होगा कि चाइना है तो ये चाइना वाला आइटम है, तो बिल्कुल नहीं, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। चाइना ग्रास को अगर अगर भी कहते हैं तो आपके यहाँ पे अगर अगर के नाम से मिल रहा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए दूध में भी अब उबाल आ चुका है और दूध भी हल्का गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे पूरे पैकेट का इस्तेमाल करना है, आधा लीटर के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम का पाउडर लिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो प्लेन चाइना ग्रास आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जेलेटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉर्मली मार्केट में चाइना ग्रास जो है वो स्ट्रिप्स में भी आता है। मैंने पाउडर फॉर्म का लिया है, आपको जो मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। अगर आपने प्लेन वाला चाइना ग्रास या जेलेटिन का इस्तेमाल किया है तो आप फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस या फिर इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर या फिर वेनिला एसेंस का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें केसर और पिस्ता है। साथ ही में मैं इसमें शुगर का भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इस पैकेट में ऑलरेडी शुगर होता है जो कि सफिशेंट है। तो आप अपने आम के मीठेपन के हिसाब से चीनी जो है कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चाइना ग्रास जो है आपको आसानी से सुपरमार्केट में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये 30-35 रुपये में आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए इसे मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से पका कर ले लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना वाइब्रेंट आ गया है, कितना ब्यूटीफुल है, विदाउट एनी कलर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का केक मोड लिया है राउंड शेप का, आप कोई भी मोड ले सकते हैं जिसमें आपको इसे सेट करना है यानी कि जमाना है। तो अब हम सबसे पहले इसे घी से ग्रीस कर लेते हैं, आप तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मैंने यहाँ पे इस तरह की छलनी ली है तो मैं जो सारा मिक्सचर है उसे छान कर डालूंगी, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आम के कोई बड़े चंक्स भी रह जाते तो कोई बात नहीं है क्योंकि इसे हमें छान कर ही लेना है। छान कर लेने से होगा ये कि ये एकदम प्लेन निकलेगा और जो भी बड़े बड़े आम के चंक्स है वो हमारे केक में नज़र नहीं आएंगे और हमारा जो केक है एकदम स्मूथ बनेगा और बहुत ही टेम्पटिंग भी लगेगा। तो देखिए पूरा मैंने इसे छान लिया है, जो भी मोटी चीज़ें हैं उसे मैं अब डिस्कार्ड कर रही हूँ। ये देखिए पूरा मिक्सर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको कुछ बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बबल्स हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम चम्मच से बबल्स को सारे हटा देते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे हम इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से जम जाए। ध्यान रहे इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। 1 घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है अच्छे से जम कर यानी कि सेट होकर रेडी है। ये देखिए बिल्कुल भी हाथों को नहीं लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं।
तो इसके ऊपर प्लेट रखेंगे, इसे पलट देते हैं। वाओ देखिए कितना टेम्पटिंग बना है ना, बिल्कुल ग्लास केक की तरह लग रहा है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में झटपट बनने वाली रेसिपी है, वो खाने में तो ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये अंदर से कैसे लग रहा है। देखिए कितनी स्मूथली ये कट रहा है, मुंह में जाते ही घुलने वाला केक है। अगर आप मैंगो के शौकीन हैं तो आपको ये केक बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।